अगले प्रतिभागी के रूप में वैष्णवी कक्षा 4 से आ रही है। इन्होंने भी ये रचना अपने सर लिखी है। इनमें सबके सामने कर दो कि आपका फेवरेट मामा कौन है। मैं तो देवन चाचा चाहिए। ये हम जैसे भी हैं, मतलब हर कैटेगरी में हर इंसान को मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकता है अगर वो कोशिश करे तो। और तो गाइस मेरा भी सुपर हो चुका है, रेडी। और मजे में होंगे तो हम यहाँ पे स्वस्थ है, अच्छे हैं और मजे में आपकी तरह। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि आज संडे है और आप सोच रहे होंगे कि संडे को मैं रेडी क्यों हुई हूँ, बिकॉज आज हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग कितने बजे स्टार्ट हो रहा है मम्मी? 9 बजे से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से एंड मुझे पहुंचना है 11 बजे तक। तो देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुंचते हैं हम लोग। तो उससे पहले गाइस जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी यूट्यूब वीडियो की पहली नोटिफिकेशन की फर्स्ट अपडेट आप मिस ना कर पाओ और आप ही देख सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, देखते हैं आज के वीडियो में क्या होता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो गाइस वैष्णवी ने वेलकम कर दिया व्लॉग का। तो मैं आ चुकी हूँ वैष्णवी के स्कूल और हम खड़े हैं पार्किंग में और हमें जाना है उधर। तो बस टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जाएंगे अंदर और मैं अंदर जाके दिखाऊंगी वैष्णवी का प्रोग्राम आपको। तो मिलते हैं आपसे अंदर जाके। मैं आपके बगल में जाती हूं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, हेड ऑफिस। वैशु ऑल द बेस्ट बेटा, तैयारी में हो ना? गाइस जब तक आपका जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो प्रोग्राम हो जाएगा बेटे। चलो तो गाइस वैष्णवी के स्कूल का व्यू कुछ ऐसा है और ये है वैष्णवी के स्कूल का हेड ऑफिस। वैष्णवी का स्कूल उधर अंदर जाके है मेन ऑफिस। तो बस हम पहुंच चुके हैं अभी स्कूल, चलते हैं। हाय खुशी, ऑल द बेस्ट फॉर दक्षिण में बहे समुंदर है, सारे जग से है न्यारा।
जी की बेटी हूँ। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चिकन लेने के लिए, क्योंकि आज हमारा क्या खाने का मूड है? चिकन थप्पा खाने वाले हैं हम आज, क्योंकि आज हो रहा है मौसम ठंडा और आज सूप पीने का मन हो रहा है, तो हम आज बनाने वाले हैं चिकन थप्पा। और इसीलिए ये है अतुल चिकन एंड फिश पॉइंट। हाँ, और ये है हमारा भाई, और यहाँ पे सबसे फ्रेश और दुनिया भर का यहाँ पे सबसे फ्रेश मीट मिलता है, जो कि हमारा भाई देता है। और दिन जो गाइस ये आ गया है चिकन, और चिकन का पीस क्या है, लेग पीस और चेस्ट का मेजर से छोटा पीस। कौन बनाने वाला है इसके ऊपर फ्राई करके? अब मैं तो बनाऊंगा नहीं, मेरे को आता है। तो बूढ़ी बनाने वाली है, बोलो ना। बूढ़ी बनाने वाली है। और इन दोनों को देखो गाइस, और ये दो इन दोनों का गबाड़न, इन दोनों का गबाड़न, एक का नाम छोटा गबाड़न। अंकल नमस्ते। देखो अच्छा ये हां डॉगी चल। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर, अब बनाएंगे फटाफट से थप्पा। भाई तो करता हूं मैं, नहीं करता मैं, नहीं करता मतलब नानू बता दो व्लॉगिंग में सबके सामने कर दो कि आपका फेवरेट मामा कौन है। मैं तो देवन चाचा ही है और दीक्षण चाचा। तो गाइस यहाँ पे हमारे दीक्षांत का दिल टूट चुका है और दीक्षांत रो रहा है। क्यों रो रहे हो यार? रोनी बात नहीं यार, बोल दिया यार। अरे यार मत रो ना यार, क्या हो गया यार? मजाक कर रहे थे। अरे यार तू सच में रो गया यार? रो नहीं रहा यार। अरे यार गाइस कभी ये मत मानना कि हमारे पे जान नहीं छिड़कते। तो गाइज मेरा भाई थोड़ा अपसेट हो गया, क्योंकि मैंने इसे मजाक में बोला कि ये वैष्णवी को प्यार नहीं करता है, बट मेरे सभी भाई बहन मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब मेरे मामा ऐसे हैं ना कि जान छिड़कते हैं, जान छिड़क होते भी अपने पास कुछ ना होते भी वो मेरे को लाके देखते हैं ऐसे। तो गाइस आई एम सॉरी, अब यहाँ हंस दे यार, रो मत यार। गाइस थोड़ा सा मजाक किया था मैंने साथ, और भाई मेरा अपसेट हो गया। आई नो कि ये लोग मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये है दीदी की बेस्ट सिस्टर जो गाइस, अब फटाफट से बना लेते हैं सूप। पा हो चुका है रेडी, और अब कर लेते हैं फटाफट से प्लेटिंग, क्योंकि मुझे तो लग रही है बहुत तेज भूख। पर सबसे पहले हम करने वाले प्लेटिंग, और ये है हमारा थप्पे का सूप रेडी, और हम डाल लेते हैं फटाफट से सूप। गाइस मुझे तो बहुत तेज भूख लग गई इसको देख के। बना है गाइस, आप स्पाइसी चटनी देख सकते हो, इनको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये है हमारा थप्पा, सब कुछ डाल चुके हैं, बस डालना है अब इसमें स्पाइसी चटनी, मजा ही आ जाएगा गाइस।
तो गाइस अब डाल दिया हमने इसमें इसमें डाल दिया है हमने अभी स्पाइसी चटनी तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक तो गाइस देने वाली हूँ सबसे पहले हस्बैंड को तो बुढ़ो खा के थोड़ा एक पर कौन चम्मच ना थुप्पा तो इसलिए तो खान जानू तो गाइस मेरा भी थुप्पा हो चुका है रेडी अब मैं डालने वाली हूँ इसे मोमोज पानी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आज मैं प्रोग्राम में गई थी वैष्णवी की तो वहाँ पे देखा मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं उनकी जो बातें होती हैं उनकी जो सोच होती है आप जब इन ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छी वाइब आती है मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है तो मैं वैष्णवी के प्रोग्राम में जब भी जाती हूँ मतलब कई बार अकेले बैठ के सोचती हूँ मन छोटा होता है बट जब वैष्णवी के प्रोग्राम में जाती हूँ जब नए लोगों से मिलती हूँ उनकी बातें सुनती हूँ तो समझ में आता है कि दुनिया में मतलब कितनी चीज़ें हैं कितनी चीज़ें आप कर सकते हो या कितनी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकता है आप हर चीज़ में सक्सेस ढूंढ सकते हो मतलब कहीं पे भी आपको मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए हम जैसे भी हैं मतलब हर कैटेगरी में हर इंसान को मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकता है अगर वो कोशिश करे तो और वहाँ पे जाके मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं क्योंकि प्रोग्राम तो बच्चों का होता है लेकिन मैं एज ए पेरेंट जब जाती हूँ या और भी शायद आते होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अंदर से ना इतना होता है कि हाँ लाइफ में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ हर तरीके से पूरी है आप कहीं पे भी सक्सेस हासिल कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगा आज प्रोग्राम में जाके बच्चों को सुन के और जो वहाँ पे जितने भी आए थे बड़े लोग उनकी बातें सुन के उनकी सोच सुन के बहुत अच्छा माइंड मतलब एकदम रिलैक्स हो जाता है समझ में आता है कि आप कहीं नहीं हारे हो आप जीत सकते हो आप कहीं से भी जीत सकते हो तो बस इतना ही कहना चाहूँगी थोड़ी फीलिंग्स थी तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आज वैष्णवी का प्रोग्राम हुआ तो मैं हर बार जाती हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है बहुत अच्छा फील होता है तो बस यही शेयर करना था आपसे तो आई होप आपको मेरा व्लॉग ये पसंद आया होगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपना प्यार दीजिए ताकि मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ है ना बुड़ो तो बुड़ो डिनर कैसा बना था डिनर बहुत टेस्टी था स्पाइसी चिकन मज़ा आ गया तो गाइस बस ठंड हो रही थी तो सोचा थुप्पा बना के खाते हैं तो इसीलिए आज बना के खाया थुप्पा बस मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट बोलो बाय बाय बोल दो बाय बाय गाइस मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय